और गिरिडीह से अगली खबर, जहां श्रीबीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में तीसरे दिन भी छापा पड़ा। इनकम टैक्स की टीम तीसरे दिन भी यहां कागजातों को खंगाल रही है। कंपनी मालिक के सभी ठिकानों पर छानबीन चल रही है। जांच पड़ताल में करोड़ों रुपए जब्त होने की बात सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने की भी बात है। गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए अपडेट के साथ। श्रीकांत, लगातार सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तीसरे दिन भी आज छापेमारी चल रही है, क्या फिलहाल अपडेट मिल पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीएमटी व लॉक बनाने वाली सीबीए ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, उसके कई ठिकानों पर आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे, हम कह सकते हैं, वो लगातार जारी है। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोलकाता समेत श्रीवीर ग्रुप के कुल 22 ठिकानों पर जो जांच है वो लगातार जारी है। जांच पड़ताल के दौरान जो अब तक बातें सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, उसमें करोड़ों रुपए नकद जब्त किए गए हैं। अभी तक जो कंपनी के बैंक खाते हैं उनमें से निकासी और जमा करने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल कहा जा रहा है कि बोकारो के जो भी ब्रोकरों के माध्यम से करोड़ों रुपए को गलत तरीके से खपाने के कागजातों की भी बरामदगी की गई है। लगभग 200 से अधिक अधिकारी इस काम में अब तक लगाए जा चुके हैं। अगर हम देखें तो आयकर विभाग की जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई इसको मानी जा सकती है। उम्मीद और ऐसा अंदेशा जा रहा है, श्रीकांत, कुछ अंदाजा लगाया जा रहा होगा कि कितने के आयकर की चोरी का ये मामला बन रहा है, क्योंकि तीसरा दिन है आज और लगातार कागजात खंगाले जा रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है, जब तक इसको कोई आधिकारिक बयान या फिर अधिकारी चूंकि कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि रेड जो है, जो कह सकते हैं हम, सर्वे अभी जारी है, कागजातों को जब्त किया जा रहा है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिनको डिलीट कर दिया गया था, अधिकारी उसे रिकवर करने में जुटे हैं। कई फाइल हैं, कई अलग अलग ठिकानों पर, घर पर, आवास पर, ऑफिस पर, फैक्ट्री में, तो इन सारी जगहों के कागजातों को जब्त कर उनकी जांच की जा रही है, मिलान किया जा रहा है। उसकी जांच पड़ताल में समय लगती है, टेक्निकल भी कई सारे पहलू होते हैं। तो अब तक, लेकिन यह अंदेशा लगाया जाता है कि अब तक की जिले की सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो हो रही है, और देर शाम तक सबसे बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया श्रीकांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तीसरे दिन भी आयकर की टीम तमाम कागजातों को खंगाल रही है। एक नहीं, कई ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है, कागजातों को खंगाला जा रहा है। आयकर चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है और फिलहाल अभी आईटी टीम के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़े आयकर की चोरी का ये मामला है। लगातार करोड़ों रुपए के जब्त होने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।